राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई सुबह के दोपहर के बजने वाले हैं ढाई, और ट्रिप बी को, ट्रिप ए को आज हमने जीरो किया है। ट्रिप ए है जीरो और टाइम हुआ है 2:24। और इतना कुछ ईंधन है अपनी गाड़ी में, ठीक है। ये हम अभी मंदना गंगा बैराज से, जो गंगा बैराज जो हाईवे जाता है मंदना की तरफ, उधर है। और ट्रिप बी को दिखा दे भाई, जो कल गाड़ी चली थी उसमें ट्रिप बी का एस्टीमेट है 482 किलोमीटर कल चल गाड़ी चली थी, आज अभी 1 किलोमीटर चली है, 2:30 बज रहा है। तो भाई अभी भी घर से निकले, राइड आ चुकी है जो कि अपना बिठूर से पिकअप है, और इनको बिजनौर लखनऊ जाना है। कस्टमर से बात हुई थी 2 बजे, तो हमने कहा जल्दी चलना है, 2:30 बजे ही निकलना है। कस्टमर ने बोला था भैया 2:30 बजे ही चलना है, तो हमने कहा ठीक है। तो अपने तरफ से अपने टाइम के हिसाब से हम निकले हैं भाई, पहुंच जाएंगे। तो 4 मिनट लेट पहुंचेंगे लेकिन पहुंच जाएंगे, क्योंकि कस्टमर वैसे भी, हम तो जल्दी ही पहुँच जाते लेकिन कस्टमर ही बोला भैया टाइम से आइएगा। तो हमने कहा चलो 2-4 मिनट और भी लेट कर देते हैं, हो ही गया भाई लेट, तो ये कुछ है हिसाब किताब। तो फिलहाल जाके पिकअप करके उनको ड्रॉप करेंगे, क्या फेयर वगैरह बनेगा, सारी रिटर्न मिलेगी, वो सब करने से पहले पहले आपको बुकिंग दिखा दें भाई। जो बुकिंग आई हुई है वो हम आपको दिखा दें, ये देखो भाई ओला की राइड है, जो पिकअप है ये है सूबेदार नगर बिठूर से पिकअप है, और इनका नाम अमित वर्मा है, और इनको जो जाना है वो ऐसे दिखाएगा भाई, ये 82 किलोमीटर की दूरी है, 1589 जो भी दिख रहा हो देख लेना भाई, वन वे की ट्रिप है। अब इधर से लखनऊ जाएंगे तो वापस भी आएंगे। फिलहाल हमारे घर से जो है 10 किलोमीटर की दूरी थी पिकअप करने का, तो अभी हम पिकअप के लिए निकल लिए हैं। दूरी देखें भाई अभी कितना दिखा रहा गूगल मैप हमारा, क्योंकि अभी हम देखे नहीं थे। ओहो भाई ये देखो नज़ारे, अभी 6.7 किलोमीटर अभी है, 12 मिनट का समय दिखा रहा है। तो भाई 10 मिनट में हो जाऊंगा लेट, 10 से 5 मिनट, लेकिन कोई बात नहीं, लेट हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा भाई, क्या ही किया जा सकता है। चलते हैं बिठूर के पिकअप के लिए, घर पे था रेंज 10-12 किलोमीटर भाई ओला की जो है कवर कर लेता है, बल्कि लखनऊ हम लोग जाते हैं तो वहाँ से जो पिकअप मिलता है 20 से 25-30 किलोमीटर तक का भी दूर का पिकअप दे देता है भाई ओला। ये ओला की एक अच्छाई है, बुराई भी मान सकते हो भाई, इतनी दूर का पिकअप है। अब क्या है लखनऊ से हमें वापस घर आना होता तो 20-25 किलोमीटर भी कुछ नहीं दिखता, बस ये होता है कि बस बुकिंग भाई मिल जाए कानपुर के, बस किसी तरह हम घर अपना पहुंच जाए, ऐसा होता है। तो ठीक है भाइयों, चलते हैं कस्टमर को पिकअप करते हैं, पिकअप करने के बाद ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के बाद बताएंगे आप लोगों को फेयर वगैरह क्या हमारा मिला, सारा दिन की अर्निंग हमारी क्या हुई, क्या एक्टिवेट हुई, एक्टिविटी क्या रही हमारी सारे दिन की, और ओला उबर से जो भी रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन हुई वो आप तक शेयर करेंगे। तो जो भाई हमारे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा उसका वीडियो सबसे पहले पहुंचे, और कमेंट करें भाई। ठीक है भाइयों, तो चलते हैं। तो भैया कस्टमर को फाइनली हमने ड्रॉप कर दिया है बिजनौर में, बिजनौर में कॉलोनी है भाई, कॉलोनी का नाम तो खैर पता नहीं, ना ही बोर्ड लगा है, ठीक है ना, भाई गाड़ी का हमारा जो है सीएनजी खत्म हो चुका है, पेट्रोल पे चल रही है लगभग 10 किलोमीटर से। तो ऐसा होता है भाई, पेट्रोल रखना चाहिए, पेट्रोल इसी दिन के लिए रखा जाता है। ये देखो भाई क्लियर एकदम कैमरा हमारा आता है ना मस्त, इतना पुरानी गाड़ी हो गई है लेकिन कैमरा एकदम ज़बरदस्त। तो भाई पेट्रोल इसीलिए हम लोग 2-4-5 लीटर गाड़ी में रखते हैं, ताकि इस तरह की जब भी सिचुएशन आए। तो हम लोग अपना जो है कहीं भी आ जा सकें, कम से कम सीएनजी तक तो जा ही सकें भाई। गाड़ी भाई बैक करते हैं, बैक कैमरा की वो लगाई हुई है भाई स्किन, लेकिन उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है पीछे मुड़ के देखने का,
मजा ही कुछ दूसरा है। अब छोटी छोटी राइड आ रही हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कोई ढंग की बुकिंग आएगी तब एक्सेप्ट करेंगे और एयरपोर्ट की तरफ भाग जाएंगे। पहले तो हम ढूंढते हैं भाई सीएनजी, पास में ही बिजनौर में ही कहीं पर सीएनजी है, जाके डला लेते हैं। हालांकि बिजनौर में एक नया पंप सीएनजी का पूरा खुल रहा है ऑनलाइन, अभी वो रिपेयर, अभी उसमें काम चल रहा था, हो सकता है आने वाले एक हफ्ते में या 15 दिन में चालू हो जाए। तो फिलहाल चलते हैं इस कॉलोनी से बाहर, अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं भाई। पता नहीं कॉलोनी क्या नाम है, सारे पॉस एरिया भाई, मतलब सारे के सारे घर अच्छे ही बने हुए हैं, पॉस एरिया इसे बोलेंगे। ये देख लो भाई, एक जैसे बने हुए हैं। गजब भाई, SRWS संगम रेजिडेंसी, संगम रेजिडेंसी वेलफेयर सोसाइटी, ये है भाई सोसाइटी का नाम। और निकल रहे हम बाहर की तरफ भाई, देखें आलमबाग की है भाई, पता नहीं कहाँ ही जाएंगे। चलो जाने देते हैं भाई, हमको तो चलना है एयरपोर्ट की साइड में, पहले भराएंगे सीएनजी, उसके बाद कोई ढंग की बुकिंग आएगी तो एक्सेप्ट करेंगे और निकल चलेंगे तुरंत एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट से बुकिंग मिलेगी कानपुर की तो निकल जाएंगे भाई कानपुर में, जैसा भी होता है बताते हैं भाई आपको। सबसे पहले भराते पहले सीएनजी। आ तो गए भैया लेकिन लखनऊ, लेकिन लखनऊ से जाएंगे कैसे? देखो टोटल गाड़ियां हमारे कानपुर की खड़ी है, कम से कम 50 गाड़ियां होंगी, यहाँ से लगा के 500 मीटर आगे तक चारों बगल गाड़ियां ही गाड़ियां। उधर और इतनी हाइट है नहीं, दिख तो रही है, देखो दूर तक जूम कर देखा, दौड़ तो देख लो भैया। ये है लखनऊ, कम से कम 50 गाड़ियां होंगी ना। हाँ, वो ज्यादातर हमारे कानपुर की ही है, आप देखोगे तो आपको 80% हमारी गाड़ी कानपुर की है। ये 42 जरूर, लेकिन जरूरी नहीं कि ये 42 जहाँ का नंबर वहाँ की हो सकता है, हमारे कानपुर से ही अटैच हो, आपको झेलेगा, ये लखनऊ से हो बस। ऐसा देखते हैं भाई किसकी किस्मत तेज होगी, वही यहाँ से जा पाएगा है, और जो नहीं है वो आ रही है, है ना, ऐसा है ना। क्या विकास कौन आ रहा है? उम्मीद है दो तीन लोग और आएंगे। अच्छा अभी आएंगे, खुजली है, खुजली है जिनको लखनऊ कानपुर से लखनऊ तो भेज देता है लेकिन वापसी नहीं देता है। अच्छा दोबारा लोग आ रहे हैं, चलो भाई दोबारा आ रहे हैं तो ठीक है, उनकी किस्मत होगी। अबे जब दोपहरी वाले को उम्मीद में ना ही है। ये गाड़ी फोटो दिखा दो कि ये तीन तीन चक्कर मार रही है आजकल ट्रेन तीन तीन। तो भैया आज का खेल हो गया खत्म, ये देखो सीएनजी भरा के 600 रुपए की भाई मैं घर जा रहा हूँ। 600 में क्या है, अभी देखो फुल टैंक नहीं हुआ, प्रेशर शायद कम था, ठीक है। 209 किलोमीटर अभी तक गाड़ी चली और 12 भाई बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं 12 बजने वाले हैं। अपने मैनावती पे डलाया है भाई, ये देखो कुछ जो है, अब तो भाई लाइट वगैरह सारा कुछ आइसकॉन का बंद कर दिया है भाई। तो 12 बजने वाले हैं भाई, 210 किलोमीटर गलकुल मिला के गाड़ी चली है, और जो हमारी अर्निंग हुई है वो हम दिखा दें भाई आप लोगों को। हालांकि आज का दिन हमारा भाई सही रहा, 4 राइडें की हैं, ये देखो ठीक है, 4 राइडों में इतना का काम हुआ है, इसमें से 2000 रुपये जो है बचत के निकालेंगे और निकालेंगे भाई गाड़ी के लिए, जो पैसे बचेंगे सीएनजी चलाने के बाद वो एसेसरीज के काम आएंगे गाड़ी में, अपने एसेसरीज लगवानी भाई तगड़ी वाली, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कितने की लगवाइए, क्या क्या चीज़ लगवाइए, सारी डिटेल आपको मिलेगी हमारे इसी ब्लॉग में। ये देखो रोड खोद रखा भाई, लाइट लगा नहीं रखी है, पूरा अंधेरे में है ये, बताओ कोई इसमें लड़ भिड़ा जाए तो उसका क्या हाल हो। कम से कम लाइट की तो व्यवस्था कर देती थी तो इसमें रेड कलर का रेडियम भी चिपका देते भाई कुछ, ये तो खैर समझ में आता है इसकी हाइट इतनी है, ठीक है। जिसकी हाइट कम थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ पिलर दे रखे हैं भी ये दीवार नहीं उठाई, यहाँ तो खैर समझ में आ रहा है, फिर भी यार इसमें जो है इनको जो है पिलर में जो है वो लगा देना चाहिए था इन लोगों को, रेड कलर का रेडियम चक्का देना चाहिए था, ठीक है। तो भैया आज भी अपनी बचत 2000 की, इस समय कुल मिला के रोज 2000 का टारगेट हमारा पूरा हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हर वीडियो में हम विथ प्रूफ आप लोगों को दिखाते हैं। आज अर्निंग ज़्यादा हुई है
बचे 2000 ही निकालेंगे, क्योंकि गाड़ी में एक्सेसरीज वगैरह लगानी है लगवानी है। और इसी महीने के लास्ट में भाई रोड टैक्स भी हमें जमा करना है, जो कि 14-15 हज़ार रुपये खर्चा आने वाला है। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े पैसे काट के बचा के रोड टैक्स में जो है ऐड करेंगे, रोड टैक्स करवाएंगे, उसमें 14-15 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। तो भाई देख लो मेहनत इसमें पड़ रही है तो काम भी हो रहा है, हालांकि ये ज़्यादा दिनों की नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में साल के बंद हो जाएंगी और फिर काम फिर पहले के जैसा डाउन हो जाएगा। फिर कभी हम कमाएंगे कभी नहीं कमाएंगे, अभी तो खैर रेगुलर हम क्या सभी लोग कमा रहे होंगे, इस समय सबके पास राइडें आ रही होंगी। तो आज के लिए भैया इतना ही, कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।